हरे कृष्णा हरि बोल। प्रणाम आप सभी को, अपने तो सबाई के प्रणाम। तो आज है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि उत्सव। तो आज के नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि उत्सव। तो ये जो किताब आप लोग देख रहे हो, इसके नाम है नामाचार्य ब्रह्म हरिदास ठाकुर। इसकी जो बंगाली नेम्स, मैं पहले बंगाली बताते, बंगाली से मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इसके नाम है नामाचार्य ब्रह्म हरिदास ठाकुर। उनकी जो स्टडी इस किताब पर है, तो मैं इसमें से कोशिश करेंगे अच्छे से इसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि मेरा मदर्स लैंग्वेज बंगाली है। तो आप लोग आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं कुछ बोल सकूँ। तो ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी जान नहीं पाएंगे। तो हमारे जीवन में देखिए कितना सारी गंदगी फैला रहते हैं, बहुत सारी बुराई चीज़ हमारी इस माइंड में है। उसको क्लियर करना पड़ेगा, कैसे? कृष्ण कथा अमृत पान करने से, माध्यम से। तो अभी हम ऐसे एक महान आचार्य, महान एक भक्त भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त जो हरिदास जी, आप सभी को पता है हरिदास ठाकुर के बारे में है। तो इनकी स्टडी हम श्रवण करेंगे थोड़ी टाइम के लिए, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, पूरी नहीं, बहुत टाइम लग जाएगी। तो थोड़ी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हम এখন হরিদাস ঠাকুর জীবন্ত কিছু পড়ব, যাতে করে আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং আমাদের এই যে খারাপ যেটা মনোভাবনা সেটা যাতে শুদ্ধ হয়, ঠিক আছে। तो अपना समय ध्यान दिए सुनमें, आप सभी लोग अच्छे से श्रवण करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है एक श्लोक जो शिक्षा अष्टकम के 3 नंबर श्लोक में आता, और वो बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है। त्रिनादपि सनिचैन तररोपि सहिष्णुना अमानी न मन देन कीर्तनिया सदा हरि। मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी ये जो श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम में 3 नंबर श्लोक, जो हम एवरीडे गाते शिक्षा अष्टकों में, त्रिनादोपि सुनिचे न तररोपि सहिष्णुना अमानी न मन देन कीर्तनिया सदा हरि। तो यहाँ पे फिर इसकी क्या कर रहे हैं, इसकी ट्रांसलेट किया जाए। तो मैं ट्रांसलेट को बंगाली में पहले एक बार बता देते, ताकि यहाँ बंगाली जितने भी डेबुटी उन सबको भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और ट्रांसलेट आप लोगों को मैं बाद में करा देते। तीनों होते नीचे हुई भिक्ष होते हो सहिष्णु हुईया निज अभिमान त्याग करिया अपर के सम्मान प्रदर्शन करिया सर्वदा हरिनाम संकीर्तन करिबे कृष्ण लाभेर मूल मंत्र हलो नम्र हवा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तीन से भी नीचे होना चाहिए। तीन मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे नीचे जो तीन होता है, जो घास, हाँ वो घास क्या होता है, हम जब उसके ऊपर चलते तो वो हमारी पाव के नीचे क्या होते हैं, नीचे दब जाते, फिर भी वो क्या नहीं करते, कोई प्रतिवाद नहीं करते। तो हमको ऐसे तीन होना चाहिए, तीनों तो नीचे हो या फिर ब्रिक हो, ब्रिक जो ब्रिक होते, तो ब्रिक को देखो, ब्रिक को हमें क्या देते, अच्छे हवा देते, अच्छी छाया देते, धूप से बचाते और अच्छे फल भी देते, और बदले में हम उनको क्या देते हैं, हम उनको काट देते हैं, काट के उनको क्या करते, घर की जो भोजन पकाते या कुछ बनाते या फर्नीचर बनाते, कुछ भी इत्यादि बनाते रहते हम। तो तीनों से भी नीचे होना चाहिए, और वृक्ष समो हमें होना चाहिए, वृक्षों की जैसे कृपालु होना चाहिए, और हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं हरिदास ठाकुर जी को, आप देख सकते हैं उनको 22 बाजार में मारा गया था, बेत से मारा गया था, छाबुक मारा था, फिर भी वो किसी को क्या नहीं किया, कोई भी विरोध नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा था, अरे तुम्हारी आप सभी को कर्तव्य होता है क्या करना, आपकी राजा की बात को पालन करना। तो आपकी राजा ने क्या निर्देश दिया था, इन्होंने निर्देश दिया हमें मारने के लिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं भगवान श्री हरि की नाम कर रहा था। तो आपकी जो धर्म, आपकी जो राजा के निर्देश, वो आप पालन करें। फिर भी देखिए ये महान भक्त की दैन्यता होता है। तो आज की जो मना में हम देखेंगे, तो अगर हमारे साथ ऐसे कुछ हो तो हम तो बहुत कुछ कर लेंगे, मैं भी कुछ तो। पर फिर अगर हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहे तो हमको ऐसे होना चाहिए। कोई अगर हमें क्या करे तो हमें दुख भी देंगे, तो हमें अगर क्षति भी पहुंचाएंगे, तो फिर भी हम भगवान जी से निर्भर होना चाहिए हमको। तो आप देख सकते हैं जो भक्त होता है हमेशा भगवान जी पर निर्भर होता। तो आप देखो ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब
जब रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को ऐसे वेद बाजार में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तब वो उनकी विरोध ना करकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी अच्छी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब उनको ऐसे मारा जाए तो भगवान श्री कृष्ण नहीं रह पा रहा है, उन्होंने गुस्सा में आ गया और उन्होंने अपने सुदर्शन को भेज दिया। पूरा सुदर्शन आके क्या कर रहा है, उनके सिर को अलग करने जा रहा था, तो उन्होंने भगवान जी को ऐसे करके प्रार्थना कर रहे, हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्री हरि, इन लोगों को पता नहीं, इन लोग मतलब ये छोटा बच्चा है, उनको कुछ भी पता नहीं, आप कौन है, भक्त कौन है, क्या करना चाहिए, तो आप उनको क्षमा कर दो। तो भक्त ऐसे होते, भगवान जी के जो भक्त होते ना वो ऐसे होता। वो हमें नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जो स्टोरी है ना उसमें से हमें पता चलते, नामाचार्य जो श्रील हरिदास ठाकुर महान भक्त थे, तो उनकी जीवन चरित्र से हमें वो देखने मिलते। तो जो बंगाली डेविड इन लोगों के लिए कुछ बताना चाहिए था, तो उन लोगों को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पढ़ाई करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, मैं उन लोगों के ट्रांसलेट करेंगे जिनको बंगाली नहीं आता। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य श्री मुखेर ए बानीर मूर्त रूप होलेन भक्त श्री हरिदास जगत संसारे आमरा देखते पाई पुष्पित वृक्ष फूलेर बारे आर फलवान वृक्ष फलेर बारे नत। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये जो मुखनिश्रित उन्होंने शिक्षाष्टकम के 3 नंबर श्लोक रचना किया, उनके साथ साथ एक और श्लोक आता जो शिक्षाष्टकम ने नहीं, वो चैतन्य चरितमृत में आता, तीनों हित नीचे हो या सदा लभे नाम अपनी निर अभिमानी उन्न दिव्य मान। और ये जो श्लोक आते 3 नंबर चेतन शिक्षाष्टकों के वो है, तृणादपि सुनी चैन तरण भी सहन अमानी न मानदन कीर्तन या सदा। उसकी एक एडजस्टमेंट जो श्लोक उसके साथ अगर टच करेंगे तो उसको एक साथ जोड़ेंगे तो सेम वर्ड आपको मिलेंगे देखने के लिए, सेम क्वेश्चन सेम आंसर भगवान वहां पे दे रहा है। तीनों हित नीचे हो या सदा लभे नाम, तीनों से भी नीचे होना चाहिए, वहां पे भी क्या बताया, तीनों दिपि सुनी चना, तीनों की जैसे बनना चाहिए। हम फिर बोल रहे यहाँ क्या, तीनों हित नीचे सदा लभे नाम, तो हमेशा हमको भगवान श्री हरि की नाम लेना चाहिए। और अपनी नीर अभिमान है, हमारी पास कोई भी अभिमान नहीं रखना चाहिए, कोई अगर मारे काटे कुछ भी करे बिल्कुल अभिमान नहीं रखना चाहिए, अभिमान शून्य होना चाहिए। अभिमान शून्य है गाय नगरे घुरिया वगैरह वो गाही अनिताई है, इसलिए पहले अभिमान शून्य होना चाहिए, अनिताई की नाम गाने के लिए अभिमान शून्य होना चाहिए, फिर नगर है गाय मतलब की नीता की गुणगान कर सकते, भगवान श्री हरि की गुणगान कर सकते। अगर हमारे अंदर अगर देश रहे तो, हमारे अंदर अगर ईर्ष्या रहे तो हम कभी भगवान श्री हरि के नाम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बता रहा है क्या, तीनों इतने नीचे सदा लभे नाम अपनी निरभिमान उन्नति मान, अपने के लिए कोई मान नहीं रखते हुए क्या करना चाहिए, दूसरे को मान देना चाहिए, तब जाके क्या होता भगवान श्री हरि की नाम में रुचि आता। तो कभी कभी दिखाई देता है, हम भी सभी लोगों को पता है मेरे रिलेटिव से मेरे पास बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर मैं भी कोशिश करता हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए, आप लोग आशीर्वाद कीजिए। तो गुस्सा सभी को आता है एक्चुअली, भगवत भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना हो तो हम इस गुस्सा को इस जो अपने अंदर जो जेद और जो मान पाने की जो इच्छा वो सब देख देना चाहिए, नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर देखो यहाँ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो वाणी उन्होंने दिया यहाँ पर, उसकी मूल मूर्त रूप कौन होता है, श्रील हरिदास ठाकुर। इस संसार में हमें देखने मिलते क्या, यह एक टॉपिक मिल रहे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। हमको क्या देखने मिलते, देखो कोई अगर अच्छी फूल की अगर कोई अगर वृक्ष होता तो उसकी परिचय कैसे मिलते अच्छे फूल से। एक और पॉइंट है, जो जिस वृक्ष में आपकी अच्छे फल है उसकी परिचय होता है उसकी फल में। तो अगर हम अगर अच्छी ज्ञानवान होंगे तो हमारी कल्चर से, हमारी व्यवहार से, हमारी अंदर कितना विनम्रता या सहनशीलता ये सभी से हमारी परिचित होता। तो अगर हम अगर किसी से अगर अच्छे भी हो तो किसी से अगर ज्यादा समझदार हो तो किसी से अगर ज्यादा हमें नॉलेज है तो हमको सहन करना चाहिए। क्या सहन करना चाहिए, वो तो छोटा बच्चा आ रहा है उसको पता नहीं आ रहा, यार मुझे तो पता है, तो अगर मुझे पता है तो मुझे उनको सहन कर लेना, ये है असली बुद्धिमान व्यक्ति की कर्तव्य होता। तो जो बड़ा होता आजकल वो क्या करते हैं, वो सबको
आपने बश में ले आना चाहते और उसको ऑर्डर करते रहते, उसको शोषण करने रहते। आज के जमाना में जो लीडर आपको देखने मिलेंगे वो सिर्फ आपने जितना भी फॉलोअर्स इन सबको शोषण करने के लिए रहते। जो भी शिक्षक मिलते आपके, जो हमारे जो शिक्षक होता वो भी हमें शोषण करते रहते, वो हमारी अच्छी दिख नहीं देखते। तो अगर कोई अगर अच्छी लीडर हो तो हाँ, कोई अगर अच्छी लीडर, अच्छे नेता, अच्छे अच्छे शिक्षक, हाँ, या अच्छे गार्डियंस बनना चाहे तो उनके शोषण करना चाहिए। उनके आपने जो फॉलोअर्स है ना, उनकी फॉलोअर्स की, उनकी जो प्रजागण होता है, हाँ, प्रजागण या उनके फॉलोअर्स, उनके अनुसारी, उन सभी को अच्छे सोचना चाहिए। उनके लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं। पर आज के जमाना में वही देखने मिलते ज्यादा, क्या उनकी शोषण करने के लिए ज्यादा इच्छा या प्लानिंग, ये सभी हमें देखने में। क्यों क्यों होता है ये सभी चीज? क्योंकि हमारी पास क्या नहीं है, शास्त्र नॉलेज नहीं है, शास्त्र की नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए अगर कुछ अच्छे अगर करना चाहूंगा तो हमें शास्त्र को पढ़ाई करना चाहिए। भगवान जी की जो स्टोरी, उनकी जो महान महान भक्त की जो स्टोरी, ये सब हमें क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। आजकल तो श्रवण कीर्तन करते हम क्या है, किसका कितना क्या हो गया, कितना नुकसान हो गया, किसको क्या कर देना, किसको मार देना है, और किसका बेटा हो गया, किसका शादी हो गया, ये सारी चीज से हमारी कल्याण नहीं होगा, दूसरा का भी कल्याण नहीं होगा। हाँ, तो कृष्ण कथा श्रवण करने से हमारी कल्याण हो सकते हैं। तो फिर क्या बता रहे हैं हम यहाँ देखते हैं। तो अभी आइए हम एक बार बात करते हैं हरिदास ठाकुर की, इनकी जन्म के बारे में। तो इनके जन्म के बारे में यहाँ पे उनके गांव में ऐसे बताया जा रहा है, जितना भी हिंदू लोग होता ना, उन सभी लोगों ने इनकी उनकी पिता और माता के नाम यहाँ पे बताते। जो जो मैटेरियल और भौतिक लोग होता है, उन लोगों ने जैसे बताते गांव वाले ने, उन लोगों को उनको हिंदू मानते। किसको? हरिदास ठाकुर को। तो इन लोगों ने इनके पिता के नाम ऐसे बताते, क्या? सुमति। और माता पिता के नाम सुमति, और माता उनके माता के नाम है गौरी देवी। सुमति और गौरी देवी उनकी पिता माता है। वो कौन कहे थे? उनके गांव वाले। और फिर मुसलमान लोगों ने उनको क्या किया था, उनको अनाथ देकर फिर उनको, उन लोगों भी लालन पालन करते थे उस टाइम, तो करने के टाइम उन लोगों ने भी नाम रखा था। उन लोगों ने दावे करते ये हरिदास ठाकुर, ये जवन कुल में जन्म लिया, मुसलमान है ये। तो उन लोगों ने उनको जवन हरिदास नाम पर क्या कहते, संबोधन करते। फिर यहाँ पे हमारी एक आचार्य जिन्होंने चैतन्य मंगल, अपनी किताब जो है चैतन्य मंगल, उसमें उन्होंने क्या किया, लिखा था। उसके नाम है जो आचार्य, उनके नाम है आपके जयानंद, हाँ, स्वामी जयानंद। तो इन्होंने लिखा था श्री हरिदास ठाकुर की जो जन्म, हाँ, वो कहाँ हुआ था। उनके जन्म हुआ था आपकी बांग्लादेश की खुलना नाम की एक जगह में, खुलना नाम की एक जगह में उनकी जन्म हुआ था। और खुलना जिला और केरागाची गांव में, खुलना नाम की एक जिला में और केरागाची गांव में उनकी जन्म हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। किसकी? हरिदास ठाकुर की। ये हमारी एक आचार्य स्वामी जयानंद, उनकी चैतन्य मंगल जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा था। और उन्होंने भी अपने टीका पे उनके माता पिता की नाम यहाँ पे दे चुका है। उनकी माता के नाम है उज्ज्वला देवी और उनके पिता के नाम मनोहर स्वामी। अभी यहाँ पे फिर हरिदास तार आदित्य विलास ग्रंथ लिखे थे, फिर अभी हरिदास ठाकुर क्या लिखा है अपनी किताब में वो बता रहा हूँ। उनकी अद्वैत विलास एक ग्रंथ, वो एक किताब है अद्वैत विलास किताब, उसमें उन्होंने लिखा था 1372 सकर अग्रहायण मास, हाँ, बांग्ला में उसको 1372 साल कहा जाते हैं, जैसे हमारी 2021-22 होता 1372, उसी टाइम अग्रायन महीने में उन्होंने लिखा था। उनकी जन्म हुआ था खानुल्ला काजीर गिरी है, उन्होंने क्या हुआ था, आविर्भूत हुआ था, ये इन्होंने इसमें लिखा। और जन्म होने की थोड़ी महीने बाद उन्होंने अपनी पितृ और मातृ दोनों को खो चुका है, ये अपनी किताब में इन्होंने लिखा डायरेक्ट हरिदास ठाकुर जी ने। फिर श्री मुरली गुप्तेर पौरोचाय श्री हरिदास जवन कुल जन्मग्रहण कर। फिर श्री मुरली गुप्त, जो मुरली गुप्त उन्होंने क्या बता रहा है, उन्होंने बताया श्री हरिदास ठाकुर जी ने जवन कुल में जन्म लिया था। और फिर श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी, इन्होंने क्या बता रहे, इनकी जन्म क्षेत्र में इन्होंने बताया
इन्होंने क्या बताया, चैतन्य चरितमृत में इन्होंने वर्णना किया, किसने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। इन्होंने कहा जाति को निरर्थक बुझावार तरे ठाकुर हरिदास जन्मिलेन जवने रे, जाति और कुल की निरर्थक, जाति और कुल ये दोनों को भेद करने के लिए, उनकी जो भेदावाद उसको 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 हटाने के लिए उन्होंने जवन कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने क्या कर रहा है, भगवान श्री हरि के नाम ले रहा है, वो ही बता रहा है। अतः तार जन्म विभ्रांत सम्पर्के जखन आर कोनो प्रत्येक को प्रमाण दी नहीं तखन ये आलोचना आर ना वारणय मंगल। उनकी जन्म क्षेत्र के बारे में जब हमें अच्छे से पता नहीं चल रहे तो हमारे लिए कल्याण ये होगा उनके बारे में वो सारी चीज, उनके जन्म क्षेत्र क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहिए, वही हमारे लिए सबसे कल्याण। तो बोल रहे हैं ताते शुद्ध तौर पर भी उसमें क्या होता, ज्यादा तर्क ही होते जाते, बातें बढ़ते रहते हैं। और भजन शुद्ध भजन भक्तजन हृदय श्रोता कलुषित हो, जितना भी भक्त है उन सभी की हृदय में जो भी श्रोता होता वो सारे कलुषित हो जाएंगे, ऐसे वार्तालाप अगर हम करते रहेंगे। हमारा साधारण मानुष ताके एतदिन महामानव रूपे जीने से, हम जितना भी सारे यहाँ जितना भी सारे नॉर्मल कैटेगरी के जो लोग है, जो उच्च कैटेगरी में नहीं, उच्च क्वालिटी में नहीं, उन सभी लोग उनको महामानव रूप में हम उनको जानते हैं। कौन कह रहे हैं, कृष्णदास कबीर। ताई तार जन्म रहस्य उद्घाटन बीता चेष्टा ना करे ताकि महापुरुष हिसाब से श्रद्धा जान, तो इसलिए उनकी जन्म की, उनके जन्म की जो सूत्र उसके बारे में हमें विभ्रांत ना होकर उनको महापुरुष रूप में हमें क्या करना चाहिए, उनकी श्रद्धा और उनकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि देखो सही में वो एक महापुरुष है, जो हरिदास ठाकुर वो कोई मामूली इंसान नहीं है, मामूली कोई आदमी नहीं है, वो पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी था। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब परीक्षा लिया था और उन्होंने उनको विश्वास नहीं किया था और उनके साथ ऐसे किया था तो उनको बहुत दुख लगा, जो भगवान के भक्त होता ना वो बहुत दुखी होता। फिर जब उनको पता चला वो भगवान श्री कृष्ण हमारी आराध्य है तो फिर उन्होंने उनसे क्षमा मांगा और उनको कहा हे प्रभु मैंने आपके चरण में बहुत बड़ी अपराध कर लिया तो आप मुझे क्षमा कर दो, और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ मुझे ऐसा कोई दंड दो ताकि मैंने जो बुराई किया आपके साथ, जो गुना किया उसकी कहीं गुना ज्यादा हमें दंड मिले क्योंकि ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, तो उनको जमन कुल में जन्म लेने के लिए भगवान जी ने आशीष किया था। और जमन कुल में भी आकर क्या किया उन्होंने, हरिनाम प्रचार किया, जो कृष्ण स्मृति वो उन्होंने भूला नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा कीर्तनिया सदा हमेशा कृष्ण के नाम लेना चाहिए क्योंकि मृत्यु की अंतिम टाइम हमें कृष्ण स्मृति होना चाहिए। पर वो तो ब्रह्मा हरिदास जी, वो तो ब्रह्मा ही हरिदास हुआ था, हम तो ब्रह्मा भी नहीं, हम नारद भी नहीं, हम कलियुग की बद्ध जीव है। इसलिए हमारे लिए ये श्लोक सदा लोभे नाम जता लाभे तो संतुष्ट, हमेशा भगवान श्री हरि के नाम लेना चाहिए, जो भी मिलेंगे उसमें से खुश रहना। और ये है धर्म की विधान है, शास्त्र की भी निर्देश है। तो हम सभी को ऐसे महात्मा की क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना सब ट्रांसलेट करने के लिए हमें कितना टाइम लग चुका है। तो आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो होगा, कुछ शायद कोई नहीं देखेंगे वीडियो को इतना देर तक। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सबके पास जाना चाहिए और मेरे बारे में सबको नॉलेज आना चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं और मेरे जो बात है ये आपके कितना कल्याण कर सकते हैं, आपके कितना अच्छे लग सकते हैं। फिर अगर आप लोग सपोर्टिंग दो तो मैं और भी ज़्यादा टाइम इसमें वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ वीडियो एंटर रखते, ठीक है। तो शायद अगर कुछ अच्छे लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। हरे कृष्ण।